दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई पिक्चर लिया हुआ है और उस पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा है और आप उसको कम साइज़ में करना चाहते हैं, वो भी बिना फटे हुए पिक्चर, पिक्चर का रेजोल्यूशन ना जाए और उसके साथ ही वो जो है कम साइज़ में हो जाए, तो उसके लिए आप अगर तरीका नहीं जानते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम में ही वो ऑलरेडी पड़ा होता है, विंडोज़ के साथ में उसको डाला जाता है। तो उसके लिए आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे एक पिक्चर पड़ी हुई है, तो इस पिक्चर का साइज़ है 466 KB, 466 KB की साइज़ है, JPG फाइल है। इसका साइज़ हम कैसे कम करेंगे उसके लिए आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहे इसको धमकी समझ लीजिए या चाहे प्यार समझ लीजिए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा चैनल, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। तो अभी हमने जो है यहाँ पे इस इमेज को ओपन करके दिखाया आपको, इतना बड़ा साइज है इसका और इसकी जो रिजोल्यूशन है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में क्या करना है आपको, इसको इस पे जो है लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ लिखा है ओपन विथ। ओपन विथ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको पेंट पे जाना है और सिंपल, ये देखिए फोटो पेंट में ओपन हो गई है। आप इसमें अगर कुछ एडिटिंग करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें, तो आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं इस तरह से, बट हमको ये सब कुछ करना नहीं है, फर्जी क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं आपका। तो ये देखिए, चलिए हमने जो है इसको छोटा कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में रिसाइज लिखा हुआ है, रिसाइज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक तरफ परसेंटेज है, दूसरा है पिक्सल्स। अभी ये 100 पिक्सल्स में है, तो इसका अगर हम कम करते हैं, इसको जो है इसकी आधी कर देते हैं, यानी 50 कर देते हैं यहाँ पे हमने इसको। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि 467 KB इसका जो है साइज है, और अभी यहाँ हम इसको 50 करने वाले हैं, उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद में हम सेव करके इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा और छोटी अगर करते हैं इसको, रिसाइज पे गए और फिर से इसको 50% छोटा कर दिए। अब इसको फाइल में जा करके यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे और किसी नाम से इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप है और इसको जो है सेव कर दिया है, और ये हमारी जो फोटो है इसका साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 77.8 KB इसका जो है साइज बचा हुआ है, और इसका डायमेंशन भी बहुत कम हो गया है, 480x335 हो गया है इसका जो डायमेंशन है, और इसका जो साइज था आप देख सकते हैं कई गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से आप जो है फोटो की साइज को कम कर सकते हैं। अब देखिए ये फोटो जो हमने खोला है तो इतने में दिखाई दे रही है, और जो पहले वाली फ़ोटो थी इतने में दिखाई दे रही थी। तो इसका साइज जो है बहुत कम हो गया है, लेकिन क्वालिटी हमारी कहीं नहीं गई है, आप देख सकते हैं क्वालिटी उतनी की उतनी है, लेकिन जो है साइज जो है हमारा कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो आप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से इतनी सी जानकारी जो आपको दिया, तो
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।